अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो बेस्ट पीसी या क्यूबेस 5 के लिए या कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर है ऑडियो डा, तो उसके लिए आपको जो बेस्ट जो पीसी है वो कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, कल मैंने अपना पीसी जो था अपडेट किया, नया लिया था सीपीयू, तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा क्यूबेस को रन कर रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप जितने मर्जी उसमें ट्रैक ऐड करें, आपकी वॉइस ख़राब भी नहीं करेगा, वो फटती भी नहीं है वॉइस। और दूसरी ये बात कि वो उसमें आप जितने मर्जी वोकल पर इफेक्ट लगाएं, कोई उसमें वॉइस को ख़राब नहीं करता दोस्तों। और बेहतरीन अच्छा चल रहा है, ये देखिए आपके सामने आया। तो अभी आपको मैं इसकी जो है ना मिनिमम जो भी मेमोरी है, इसकी रैम वगैरह वो चेक करा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले कौन सा अच्छा रहेगा क्यूबेस चलाने के लिए दोस्तों, तो ये देखिएगा। मैं अभी इसकी प्रॉपर्टी पे जाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये चेक करिए, इंटेल कोर i3। पहले जो मेरे पास सिस्टम था वो था कोर टू डू, वो इससे थोड़ा एक पॉइंट नीचे था, ये एक पॉइंट ऊपर है। वो कोर टू डू है, ये कोर i3 है। प्रोसेसर भी इसका फास्ट लगा हुआ है दोस्तों, इसकी ज़्यादा स्पीड है उससे। तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम 4 GB, जो मेरे पास पहला था उसमें थी 3 GB 500 MB थी दोस्तों। और अभी जो ये मेरे पास सिस्टम है इसमें 4 GB और कोर i3, इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, अच्छा सिस्टम बना हुआ है इसका। तो ये मैंने काफ़ी देर पहले लिया था, लेकिन ये मैंने किसी अपने दोस्त को दिया था, तो अभी मैंने उससे फिर वापस ले लिया है। तो अभी मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ कल से। तो अभी दोस्तों इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा मुझे मिला है, बहुत ही अच्छा है, क्यूबेस 5 को चला रहा है दोस्तों। और यहाँ पर ये नीचे आप देखिएगा कि ये ओरिजिनल है, ये इसकी जो कंपनी है वो दोस्तों डेल का है, डेल कंपनी, और बहुत ही अच्छा चल रहा है। कोर i3 है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो पहले जो मैंने ये लिया था 7500 का लिया था दोस्तों, बहुत ही अच्छा चल रहा है। विंडो 10 मैंने इंस्टॉल की हुई है इसमें। तो अभी क्यूबेस 5 मैं आपको चेक करा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, आप इसमें जितने मर्जी ट्रैक ऐड करें, इसको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मर्जी आप इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग करें, एक साथ 10 ट्रैक आप इकट्ठे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें। तो आपको बताने का ये मतलब था, अगर आप पीसी लेना चाहते हैं बेस्ट जो सीपीयू है क्यूबेस के लिए, आप ऑडियो वीडियो मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं, अगर दोस्तों आप सिर्फ उसमें ऑडियो एडिटिंग करना चाहते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग, तो उसके लिए आपको 4 GB रैम काफ़ी है। अगर आप वीडियो भी साथ में एडिटिंग करना चाहते हैं, तो फिर आप 8 GB रैम लगा सकते हैं। 8 नहीं लगानी तो आप कम से कम 6 GB लाजमी होनी चाहिए। अगर आप खाली ऑडियो मिक्सिंग मास्टरिंग करना चाहते हैं, क्यूबेस या FL स्टूडियो चलाना चाहते हैं दोस्तों, तो फिर आपको 4 GB रैम काफ़ी है दोस्तों, इससे आपका काम चल जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं आपको यही बताने वाला था कि कौन सा जो पीसी है। बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो पूछ रहे थे कि कौन सा पीसी जो बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास बजट कम है, तो फिर आप कोर i3 ले लें, बहुत ही अच्छा चल रहा है दोस्तों। जो मेरे पास पहला पीसी था कोर टू डू, उसमें दोस्तों मैं तकरीबन 3 ट्रैक ऐड करता था, 2 ट्रैक ऐड करता था, तो वॉइस जो फटना शुरू हो जाती थी, इसीलिए ज़्यादा ट्रैक नहीं था बना पाता। तो अभी इसमें मैंने 10 ट्रैक इकट्ठे रिकॉर्ड करके उसमें एडिटिंग मिक्सिंग मास्टरिंग और कोरस के भी 4 ट्रैक लादा इसमें बनाए थे, तो बिल्कुल अच्छा चला, बेहतरीन चला दोस्तों, इसने थोड़ी सी भी वॉइस को ख़राब नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा मशवरा यही है आपसे कि आप कोर i3 ले लें, बहुत ही अच्छा है। अगर इससे थोड़ा आपका बजट ज़्यादा, आप इससे ज़्यादा महंगा भी ले सकते हैं, तो फिर आप कोर i4 ले सकते हैं, कोर i5 ले सकते हैं,
इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपका बजट बिल्कुल कम है तो फिर आप लेना चाहते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए, तो दोस्तों फिर आपको कोर i3 लेना पड़ेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर फिर हाज़िर हूँगा। शुक्रिया दोस्तों।